आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। कुछ आइडिया नहीं है मोहित कि मुझे मेरे घर वालों से क्या क्या सुनना पड़ रहा है। बार बार तुम्हें फोन कर रही हूँ कि तुम मेरा फोन ही नहीं रिसीव कर रहे हो। मैं कैसे उन्हें ट्रस्ट करवाऊं कि तुमने मुझसे मैरिज के लिए प्रॉमिस किया है। मोहित, अगर अब भी तुमने अपनी फैमिली से बात नहीं की तो मेरे पेरेंट्स हमारे रिश्ते की बात करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। मेरे घर में क्या कर रही हो? क्यों? पसीने छू के मुझे देखकर क्या करती? मैं तुम तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हो, इसलिए तुम्हारी मीना भाभी की ब्रिटिशियन बनके मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। ऐसी बात नहीं, मैं खुद इस बात से बहुत परेशान हूँ। इनफैक्ट आने वाला था मैं तुमसे मिलने, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई? भापो ने देख लिया ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम बात समझो, यहाँ से अभी चले जाओ। मैं आऊंगा, मैं बात करूंगा तुमसे। प्रॉब्लम की बात कर रहे हो? तो प्रॉब्लम ऑलरेडी खड़ी हो चुकी है मोहित, इसलिए तुम्हें मैं बार बार फोन कर रही हूँ। मेरे घर वालों को पता चल गया है कि I'm pregnant। कुछ आइडिया नहीं है मोहित कि मुझे मेरे घर वालों से क्या क्या सुनना पड़ रहा है। बार बार तुम्हें फोन कर रही हूँ लेकिन तुम मेरा फोन ही नहीं रिसीव कर रहे हो। मैं कैसे उन्हें ट्रस्ट करवाऊँ कि तुमने मुझसे मैरिज के लिए प्रॉमिस किया है। मोहित, अगर अब भी तुमने अपनी फैमिली से बात नहीं की तो मेरे पेरेंट्स हमारे रिश्ते की बात करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? पेरेंट्स को पता चल गया? तुम क्यों पता लगने दिया उनको यार? इससे बात बिगड़ेगी, बनेगी नहीं। कैसे क्या? Leave it. Listen to me, Mohit. जो हुआ सो हुआ, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी फैमिली से बात करने का गट्स लाना होगा। तू अठे हमारे घर में की कर रही है? एमिली, कुछ नहीं गई। तुम यहाँ मेरे घर में? कुछ काम था क्या तुम्हें? बस गए मीना, जा तू कुछ अंदर। बाबू, मैंने आपको बताया नहीं था, जिठानी जी की सहेली आई है। यही तो है, इसका नाम एमिली है। बड़ा अच्छा मेकअप करे, बड़ी अच्छी लड़की है। और यही तो ब्यूटी पार्लर में काम करे बाबा। जे तुम्हें पता है, बहुत होशियार है जी, पर मने लगे है कि हमारे घर में इसकी किसी ने ना जरूरत है। हमारे घर में सजी हुई गुड़िया जैसे बीनने की जरूरत ना है। सादगी में रहवे ना, भैया ही बीनने चोखी लगे। मीना बीनने जो भी करना होगा ना, अपने आप कर लेगी। बाबू, नहीं बाबू, ऐसा बिल्कुल ना करो। बाबू, अभी तो हमारा मेकअप भी ना हुआ, हमारे बाल आधे अधूरे बने। अब बाबू इसे रोक लो, इसे जाने मत दो। बाबू, जगह सही हो जाएगी मारी तो। वो दाईसा को तो हमेशा मौका चाहिए मारे पे हंसने के लिए। कल भी किस तरह पूरे मोहल्ले के सामने मारी मजाक उड़ाई है। नहीं नहीं बाबू, ऐसा मत करो। बाबू, एमिली को अपना अधूरा काम पूरा करने दो। बाबू, मारी खातिर, मारे लिए, आपकी मीना के लिए। बाबू देखो ना, मारे को सबसे सुंदर बनना। बाबू बाबू, मारे लिए, मारे लिए बाबू। बाबू ठीक है, पहन लिए।
प्रभु, ये तो बहुत सुंदर पायल है। एक बात कहूं भाभू, आप मारा इतना ख्याल रखो हो जितना मारी सगी माँ भी ना रख सके। चलो एमिली। सत्र रसोई में चल, कुछ काम है। बीनणी। जी बाबू। ले ये सेब काट कर ना, मीना बीनणी के कमरे में दिया, सजने सवरने में बैठ जाएगी तो खाने पीने का ध्यान ही ना रहेगा। बाबू एमिली को भी दे आऊं? ठीक है, घर आए मेहमान का ना धरना करना चाहे, दे दे। बीनणी, एमिली ने अपनी प्लेट में मना दी, चीनी मिट्टी के बर्तन है ना भी में दे दी। हाँ, पर ऐसा क्यों बाबू, अलग अलग बर्तन में देना ठीक लगेगा? रे उसके घर में मांस मच्छी अंडा सब खावे, अपनी प्लेट में कहाँ खा सके वो, ध्यान रहे भी नहीं। के साथ भेदभाव करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बीनणी उसके और हमारे परिवार के बीच में फर्क तो हमेशा ही रहेगा। हमारे बीच के इस फर्क को कोई नहीं मिटा सके। चतुरी। जी भाबो। ले चतु, मीना बीनणी के कमरे में दिया। जी अभी देती हूँ। तू भी जा बीनणी, जाकर तैयार हो जा, लुगाया भी आती होगी। जी बाबू। संध्या जी, एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर एमिली यहाँ पे आई तो आई क्यों, और वो भी इस हालत में। सूरज जी, हैरानी तो मुझे भी इसी बात की है, पर बाबू की वजह से पूछने का मौका नहीं मिला। वैसे एमिली कल यहाँ वार्षिक उत्सव के समय भी आई थी, उसका वो बॉयफ्रेंड यही अनुमान गली में रहता है। अनुमान गली का? लेकिन कौन? सूरज जी, वो सब तो एमिली ने नहीं बताया, पर कल वो किसी लड़के से बात कर रही थी। लड़के का चेहरा तो मैं नहीं देख पाई, पर हाँ मैंने उसके हाथ की घड़ी देखी थी। वो लड़का चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि वो लड़कियों की इज्जत करना नहीं जानता, और ना ही सच्चे प्यार की कदर करना जानता है। आप ही बताइए, इस वक्त जब एमिली को उसके प्यार की, उसके साथ खड़े होने की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो लड़का ही भाग गया, उसे बात ही नहीं कर रहे। Thank you.
मोहित? भैया ये मेरे कमरे में थे, भाबो ने कहा आप आते वक्त नीचे लेते आइएगा। ठीक। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।